सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि लड़ा जाए, आप थोड़े से कामयाब हो जाओ वे खैरात में मिलेंगी। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। दुनिया में विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई भी विद्यालय आज तक नहीं खुला है। संसाधन की कमी नहीं, कमजोर इच्छा शक्ति के कारण ज्यादातर लोग विफल होते हैं। आज का पंचांग 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि, सुबह 10:19 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शतभिषा नामक नक्षत्र दोपहर 3:39 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:23 से 10:56 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:04 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। तुला राशि, आप आज अपने रैंक के स्थिति में बदलाव का आनंद ले सकते हैं। आज आपकी प्रबंधकीय क्षमता और नेतृत्व कौशल को मिलाकर आपके कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। आपको वेतन में वृद्धि और बोनस से पुरस्कृत किया जा सकता है। अभी मिले आवास का मजा लें, लेकिन कड़ी मेहनत करना जारी रखें। अपने जीवन के रिश्ते को जांचें। आपको अपने किसी खास व्यक्ति के लिए अतिरिक्त समय निकालने की आवश्यकता है या बताने के लिए कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। ये अच्छे भाग्य के पक्ष हैं, जिससे आपकी की गई कड़ी मेहनत के लिए महत्वपूर्ण महसूस कर सकते हैं। आप खुद को पुरस्कारों के बीच में पाएंगे। यह पुरस्कार आपकी प्रशंसा या धन संबंधित भी हो सकते हैं। अपने कार्य की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें और दूसरों के मामलों या विश्वासों से दूर रहें। दोस्तों के साथ की जाने वाली किसी भी साहसी यात्रा से बचें। कार्य के अधिक दबाव के कारण आप चिंतित हो सकते हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालेगा। आप उपलब्धियां, प्रतिभा और गरिमा के मामलों में विकास कर रहे हैं और आने वाले समय में कड़ी मेहनत व खुद पर भरोसा आपको जीवन में नई राह दिखाएंगी। लाभ प्राप्त करने के लिए कष्टों से गुजरना पड़ता है, इसीलिए पुरस्कार पाने के लिए आपको भी कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ेगा। आपके दोस्त जीवन की हर स्थिति में आपको प्रोत्साहित करेंगे। याद रखें कि नए और रोमांचक कार्यों के लिए यह अच्छा समय नहीं है। आपको संतोषजनक तरीके से काम को संभालने के लिए खुद को सुपरचार्ज करने का अवसर मिलेगा। आप अभी विशेष ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका संबंध आपके अतीत में किए गए कामों से है। अपनी आय को बढ़ाने के विचार आपको नई राह दिखा सकते हैं। अपने डर का इलाज का वक्त आ चुका है। आपको समझना चाहिए कि न सिर्फ यह शारीरिक ऊर्जा को चूस लेता है बल्कि जिंदगी को भी कम करता है। जो उधारी के लिए आपके पास आए उन्हें नजरअंदाज करना ही बेहतर रहेगा। आज आपका ऊर्जा से भरपूर, जिंदा दिली और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास के लोगों को खुश कर देगा। आप अचानक गुलाबों की खुशबू से खुद को सराबोर पाएंगी। यह प्यार की मधुसी है, इसे महसूस करें। आपका जीवन साथी सहयोगी और मददगार रहेगा। घर के छोटे सदस्यों को साथ लेकर आज आप किसी पार्क या शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ यह एक बढ़िया दिन गुजारने के लिए अच्छा है। आज के दिन आपके लिए बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आप अपने से ज्यादा औरों का ख्याल रखेंगे। आपकी सुख सुविधाओं की वस्तुओं में बढ़ोतरी होगी। यदि आपको लंबे समय से कुछ समस्याओं ने घेरा हुआ था तो उसमें राहत मिलती दिख रही है। आप परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको अपने आँख व कान खुले रखकर काम करना होगा। आपको ये फैसला सोच समझ कर ले तो बेहतर रहेगा। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। सावधानियां, यह दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, जहां आपको कई प्रकार की अवस्थाओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक जीवन में कुछ संघर्ष और असुविधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है।
आपको अपना ख्याल रखना होगा। गाड़ी चलाते समय थोड़ा अपना ख्याल रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। अपनी योजनाओं के बीच में संतुलन बनाना आज आपके लिए सबसे बेहतरीन साबित होगा। रीति रिवाज पर ध्यान देने की जरूरत है। जबकि रोमांटिक यात्रा को लेकर किसी प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है, एक अध्यापक या सलाहकार से बात करें जिसने अतीत में आपका मार्गदर्शन किया हो। घर के मुद्दों का ख्याल रखें, खासकर जब वो आपके माँ या किसी देखभाल करने वालों से जुड़े हों। आज आप खुद को कुछ अनचाही स्थितियों में पा सकते हैं, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखें। आपको ऐसा भी लग सकता है कि कुछ लोग आपके नकारात्मक पक्ष को सबके सामने लाना चाहते हैं। कुछ आकर्षक परिस्थितियां आपको यौन संबंधों की तरफ ले जा सकती है। भले ही आपका पेशेवर जीवन व्यस्त और तनावपूर्ण है, फिर भी आपके व्यवहार करने के तरीके बेहतर होंगे। आवश्यकता पड़ने पर अपने पार्टनर तक पहुंचने और उससे मदद लेने में संकोच न करें। आप दोनों अपनी पर्सनल लाइफ या निजी समस्याओं के बारे में बात करें और उन्हें कैसे दूर करना है इसके बारे में चर्चा जरूर करें। घर परिवार में खुशनुमा वातावरण देखा जाएगा। पारिवारिक संबंधों में हास परिहास की स्थिति बनी रहेगी एवं प्रसन्नता का वातावरण बना रहेगा। आज आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही आज आपका दाम्पत्य जीवन भी काफी अच्छा रहने वाला है। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने के प्लान कर सकती हैं। बात करते हैं करियर की। इस राशि वालों के लिए आज के दिन अनुकूल रहने वाला है। आज आप व्यापार संबंधित कोई भी लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर लेंगे, इसलिए आज आप काफी प्रसन्न भी रहने वाले हैं। आज कोई भी डील करते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। आज किसी भी डील को करने से पहले दस्तावेज अच्छे से पढ़ लें। हालांकि नौकरी पेशा जातकों को आज कार्यस्थल पर कुछ विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आज विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उन्हें अपनी बुद्धि चातुर्य से परास्त करने में सफल रहेंगे। करियर में परिवर्तन की भी संभावना है। हालांकि इससे आपको मुआवजे में देरी या अस्थायी आर्थिक हानि भी हो सकती है। यह चरण आपके लिए सौभाग्य भरा हो सकता है। यात्रा भी अभी संभव है, जो शायद विदेश या लंबी दूरी की होगी। इससे आपको नए विचारों और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जुड़ने का मौका मिलेगा। अपने बॉस या दूसरे अधिकारी आपकी योजनाओं को सुनने में अधिक रुचि लेंगे, इसलिए उन विचारों को शेयर करें जो आपके दिमाग में है। जीवन में आपको जो भी मिले उसके लिए तैयार रहें और अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बनाए रखने के लिए उचित सावधानी बरतें। बात करते हैं सेहत की। पेट में दर्द रहने की शिकायत देखी जा सकती है। भुजंग आसन करना लाभकारी साबित होगा। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज के उपाय। आज आप भगवान शनि देव जी की पूजा आराधना करें, काले तिल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।